शामिल इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیو دوستو بزرگو अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को इस दुनिया में भेजा है वो तफरी के लिए या सिर्फ बिला मकसद यूं ही पैदा नहीं फरमाया, ऐसे ही नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है वो एक खास मकसद लेकर भेजा है। ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान की जिंदगी है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजकर हमारे साथ बहुत सारे एहसानात फरमाए, बहुत सारे इनामात फरमाए और उन इनामात के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे से ये तकाजा किया है कि मेरा बंदा मेरी मानकर जिंदगी गुजारे। गोया अल्लाह ताला ने हमें जो जिंदगी दी है वो जिंदगी एक अमानत है और अमानत के बारे में हम सब जानते हैं। अल्लाह ताला ने खुद कलाम पाक में इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अमानत जिसकी है उसको उसके अमानत वाले के पास सौंप दो। ये अल्लाह का हुक्म है, इन्नल्लाहा यअमुरुकुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतों को, अमानत जिसके जो उसके अहल है उन तक पहुंचाओ। तो हमें अहादीस में अमानतदारी के साथ जीने का और अमानत के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है, बल्कि अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया ला ईमान लिमन ला अमानत ला, कि उस शख्स का ईमान कामिल नहीं है जिसमें अमानत का जज्बा नहीं है। हम क्या समझते हैं कि अमानत का मतलब यह है कि किसी ने मुझको पैसे दिए या किसी ने मेरे पास कोई चीज गिरवी रखी, तो जैसी चीज उसने रखी है वैसी उसको वापस करना, इसको अमानत कहते हैं। ठीक है, यह भी अमानत है, लेकिन अमानत का सिर्फ ये एक मतलब नहीं है। अमानत की जिंदगी में बहुत से पहलू होते हैं, मुख्तलिफ चीजों में अमानत होती है। अमानत का मतलब यह है कि जिस चीज को जैसा इस्तेमाल करना चाहिए और जिस चीज को देने वाले ने जिस तरह इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है उस तरह उसे इस्तेमाल करना, उसे कहते हैं सही मानों में अमानत। जैसे एक स्टूडेंट है और उसके टीचर है,
अब अगर टीचर को उसकी स्कूल की तरफ से, स्कूल इंतजामिया की तरफ से पढ़ाने के लिए उसे दिया गया एक पीरियड, उस घंटे में उसका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बजाय वो इधर उधर की बातें करता है या नहीं पढ़ाता है या पढ़ाने में गफलत करता है, तो ये भी अमानत में खयानत कही जाएगी। एक मुलाजिम है, नौकर है, वो अपने मालिक की दुकान पर बैठता है लेकिन सही वक्त पर जो दुकान का वक्त पता है उस वक्त पर नहीं पहुंच रहा है, तो ये भी खयानत है। तो ये खयानत के बहुत से पहलू होते हैं। ऐसे ही अल्लाह ने हमें इस दुनिया में जो भेजा है जिंदगी देकर, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है। इस जिंदगी को सही न गुजारना अल्लाह की दी हुई अमानत में बहुत बड़ी खयानत है। और अहदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि उस शख्स का ईमान कामिल नहीं है जिसमें अमानत का जज्बा नहीं, उसमें यह भी आएगा कि अल्लाह की दी हुई जवानी को और अल्लाह की दी हुई जिंदगी को गलत कामों में इस्तेमाल करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक अपनी जिंदगी न गुजारना, ये जिंदगी के साथ खयानत है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत है। अल्लाह और उसके रसूल ने जो तरीका बताया, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया कि हमने तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा है, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए इस दुनिया में जिंदगी और मौत का सिलसिला चलाया, यानी लोग आते हैं एक वक्त तक अपनी जिंदगी गुजारते हैं और फिर मौत के दरवाजे से वापस चले जाते हैं, यहाँ कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। अगर दुनिया हमेशा रहने की जगह होती और मौत का ये सिलसिला ना होता तो दुनिया भर जाती, और अगर सिर्फ मौत का सिलसिला होता, पैदाइश का सिलसिला ना होता, पैदा होने का सिलसिला ना होता तो दुनिया खाली हो जाती। अल्लाह ने अपनी हिकमत से दुनिया में दोनों सिलसिले चलाए, मौत का भी सिलसिला चलाया और जिंदगी का भी। अल्लाह जिलाते भी हैं और मारते भी हैं, अल्लाह जिंदगी भी देते हैं और अल्लाह जिंदगी भी लेते हैं। आखिर अल्लाह का इस जिंदगी के देने और लेने से मकसद क्या है? अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने ये जिंदगी तुम्हें इसलिए दी है, ये मौत और हयात का सिलसिला, जिंदगी एक जीने और मरने का सिलसिला हमने इस दुनिया में इसलिए चलाया है, ये यबलुवकुम अय्युकुम अहसन मामला, ताकि हम तुम्हें आजमाएं कि तुम में से कौन कौन अच्छे अच्छे अमाल करके आता है। जो अल्लाह के यहाँ अच्छे अमाल करके आएगा, अच्छी तरह जिंदगी गुजार कर आएगा, कहा जाएगा कि ये बंदा कामयाब है और इसने इस दुनिया में कामयाब जिंदगी गुजारी। दुनिया में कामयाब जिंदगी गुजारने वाला कौन है? वो जिसके पास डिग्रियां ज्यादा हो, वो जिसके पास माल ज्यादा हो, वो जिसके पास कोठे और बंगले ज्यादा हो, वो जिसके पास कारें ज्यादा हो, नहीं। दुनिया में कामयाब जिंदगी गुजारने वाला कुरान करीम की जुबान में वो है जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, के जो जहन्नम से बचा लिया गया और जिसे जन्नत में भेज दिया गया वो हकीकत में कामयाब है। एक आदमी दुनिया में है, उसके पास सारी चीजें मौजूद है, सब राहत और आराम के सारे सामान मौजूद है और दुनिया की नजर में कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए जितनी चीजें ये दुनिया वाले बताते हैं वो सब उसके पास मौजूद है। अल्लाह ने माल दिया है, जमाल दिया है, कमाल दिया है, सारी चीजें उसके पास है, लेकिन अगर जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम नहीं है और इसकी नफसत से कल को कयामत में उसके लिए फैसला कर दिया गया कि ये बंदा जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएगा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसी नाकामी है कि जिस नाकामी से बड़ी कोई नाकामी नहीं है। इस नाकामी के बाद कभी कामयाबी का मुंह आदमी नहीं देख सकेगा। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें जो भेजा है वो अमानत के तौर पर ये जिंदगी इनायत फरमाई है और अल्लाह ने ये जिंदगी अमानत के तौर पर देकर हमसे ये मुतालबा किया है कि इस अमानत को सही से ही अदा करो और इस अमानत को सही, और अल्लाह के यहाँ कल को कयामत में दी हुई इस जिंदगी के मुतालिक अल्लाह ताला पूछेंगे। आदमी दुनिया में जो जो अमाल करता है वो सारे अमाल उसके अमाल नामे में लिखे जाते हैं और कल को जब हश्र का मैदान होगा जहां हजरत आदम आला नबीना वालेसलातु वस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाला हर इंसान वहां मौजूद होगा,
वहां हर एक को एक एक को बुलाकर अल्लाह ताला जिंदगी के मुताबिक सवाल करेंगे। बाज रिवायतों में आता है कि जिंदगी में दी हुई नेमतों के मुताबिक भी अल्लाह ताला सवाल करेंगे और यहां तक पूछेंगे। बुखारी शरीफ के हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, अल्लाह ताला यहां तक पूछेंगे कि क्या हमने तुमको ठंडा पानी नहीं दिया था, यानी छोटी से क्या हमने तुमको जिंदगी नहीं दी थी। जिंदगी का सवाल करेंगे और ठंडा पानी, यानी बड़ी से बड़ी नेमत से लेकर हमारी नजर में छोटी दिखाई देने वाली नेमतों का भी अल्लाह के यहाँ सवाल होगा, अल्लाह के यहाँ पूछ होगी, अल्लाह के यहाँ जिंदगी का ये दफ्तर सामने रखा जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह कहफ में उसका नक्शा खींचा है, वबुदिअल किताब फतरा अल-मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا। कि कल कयामत में जब आमाल नामा हर एक का उसकी जिंदगी का किया हुआ सब सामने रखा जाएगा तो आदमी डरेगा, जो बड़े बड़े मुजरिम होंगे, गुनहगार होंगे, अल्लाह के नाफरमान और सरकश बंदे होंगे, वो डरेंगे और वो कहेंगे या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी हलाकत, इस किताब को क्या हो गया, किताब को कुछ नहीं हुआ, हुआ तो उस बंदे को था जिसने अपनी जिंदगी सही नहीं गुजारी, इस किताब को क्या हुआ कि इसने ना कोई छोटा छोटी चीज छोड़ी है ना कोई बड़ी चीज। वह बचत हुआ अपनी जिंदगी में जो कुछ उसने किया धरा था वो सब का सब वहां मौजूद पाएगा। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि हम जब किसी के लिए जन्नत और जहन्नम का फैसला करेंगे भलाई अपने मौतों का अदा, तो तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा, जिसने इस दुनिया में जैसा किया है वैसा उसको रिजल्ट मिलेगा। तो अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है इम्तिहान के लिए भेजा है, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है और इस अमानत के मुताबिक इस जिंदगी के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पूछ होगी। ये जिंदगी अल्लाह ने गुजारने के लिए नहीं दी है, ये जिंदगी अल्लाह ने आखिरत बनाने के लिए दी है। इसीलिए हदीस में आता है कि कयामत के दिन आदमी के कदम हश्र के मैदान से उस वक्त तक नहीं हट सकेंगे जब तक के पांच चीजों का उससे सवाल न कर लिया जाए। ला तज़ाद क़दमा इब्ने आदम हत्ता यौम अल-क़ियामत हत्ता युसअल अन खम्स, के आदमी के कदम कयामत के दिन हश्र के मैदान से उस वक्त तक नहीं हट सकेंगे जब तक के उससे पांच चीजों के मुतालिक न पूछा जाए। उसमें पहली चीज यही है, अन उम्री फीमा अना, कि अपनी उम्र कहां गुजार कर आए, अब हमने तुम्हें जिंदगी दी थी, जिंदगी की नेमत और दौलत दी थी, वो कहां गुजारी। दूसरी चीज अल्लाह ताला पूछेंगे अन शबाब ही, कि हमने तुम्हें जवानी दी थी, उस जवानी को कहां खपाया, हालांकि जिंदगी में जवानी आ गई थी लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी को अलग करके बताया कि जवानी मुस्तकिल अल्लाह की एक अमानत है और अल्लाह की इतनी बड़ी अजीम दौलत और नेमत है कि अगर इस जवानी का सही इस्तेमाल किया जाए तो आदमी अपने आमाल की बदौलत अल्लाह के फजल से बड़ा बुजुर्ग अब्दाल कुतुब और वली बनकर अल्लाह के यहाँ ऊंचे से ऊंचे दर्जे पा सकता है, और अगर इस जवानी का गलत इस्तेमाल किया गया तो फिर आदमी इसी जवानी के गलत इस्तेमाल की नहुसत से जहन्नम के मुंह में उठा भी डाला जा सकता है। तो अल्लाह ताला कयामत में इन सब चीजों के मुताबिक पूछेंगे, जिंदगी के मुताबिक पूछेंगे। उसी हदीस में फिर आगे हैं, अल्लाह ताला पूछेंगे माल के मुताबिक, माल के मुताबिक दो सवाल फरमाएंगे, एक माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, माल कमाना भी सही और खर्च करना भी सही। और पांचवा सवाल होगा कि जो जानते थे उस पर कितना अमल किया, पता था कि पांच नमाजें फर्ज है पढ़ी, मालूम था कि ज़कात फर्ज है अदा की थी, मालूम था कि मुझ पर हज फर्ज हो गया है क्या अदा किया था, ये जितनी चीजें जानते थे उन जानी हुई चीजों पर क्या अमल किया। तो जिंदगी अल्लाह ने दी है, जिंदगी का अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा, अल्लाह के यहाँ सवाल होगा। जैसे दुकान में कोई मुलाजिम हो और उसका सेठ उसको महीने की पहली तारीख को कहे कि आखिरी तारीख को हिसाब लूंगा, तो वो कैसे
डर डर कर अपने दिन गुजारता है और कहीं भी हिसाब में कोई चूक नहीं रखता। ऐसे ही अल्लाह ने बीजियों मर्तबा कुरान में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा और ऐसा सख्त हिसाब होगा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की एक रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन जिस किसी का मुहासबा कर लिया गया, पकड़ कर ली गई, जिसको पूछा गया कि ऐसा क्यों, ये क्या है, वो हलाक हो जाएगा। हजरत आयशा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल फिर ये कुरान में जो है कि हिसाब यसीर और आसान हिसाब होगा उसका क्या मतलब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो तो जिनको ऐसे ही गुजार दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी मांगते थे तो हजरत आयशा ने पूछा आप दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा कि अल्लाह मेरा आसान हिसाब ले दे। दूसरी तरफ आप इरशाद फरमा रहे कि जिससे पूछा गया उसकी पकड़ हो जाएगी तो उसका क्या मतलब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसका मतलब यह है कि जिससे पूछ लिया गया वो पकड़ा जाएगा और जिसका रजिस्टर देखकर यूं ही आगे कर दिया, जैसे कस्टम में जाते हैं वहां से जो बंदा निकलता है अभी वो अगर वो किसी गलती में कोई उसका फॉल्ट कोई उसकी गलती है और वो जब वहां से निकल रहा होता है कभी कभी कस्टम के अफसरान मूड में नहीं होते या उनको कोई दिलचस्पी इंटरेस्ट नहीं होता तो उसको जाने देते हैं। वो बाहर आकर कितनी लंबी ठंडी सांस लेता है कि बच गया। तो कल को अल्लाह के यहाँ भी ये मौका आने वाला है तो जो वहां पकड़ा गया जिसके यहाँ किसी चीज के मुतालिक उंगली रख दी गई वो अलग हो जाए। तो हमें अपनी जिंदगी का अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है और अल्लाह के यहाँ एक एक चीज का हिसाब होगा, छोटी से छोटी चीज का, छोटी से छोटी नेमत का। और अल्लाह ने ये जो नेमतें दी है, जिंदगी दी, जवानी दी, देखने की ताकत दी, सुनने की ताकत, उन सब के मुताबिक अल्लाह के यहाँ पूछ होगी। इन सारी नेमतों के मुताबिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पहले से ही चेतावनी दे दी थी, पहले से ही खबरदार कर दिया है लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम कि तुमसे उस दिन नेमतों के मुताबिक जरूर भी जरूर पूछा जाएगा। और कैसा पूछा जाएगा, तिर्मिज़ी शरीफ की एक रिवायत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के तीन दफ्तर कयामत में उसके सामने लाए जाएंगे। एक दफ्तर में उसकी नेकियां ही नेकियां होगी, उसने जो कुछ जिंदगी में किया, उसने नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, जो कुछ तस्बीहात, दुरूद शरीफ, किसी गरीब की मदद, किसी रिश्तेदार की मदद, रिश्तेदारों से उसने सुलूक, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई होगी। एक दफ्तर वो होगा जिसमें उसके सारे गुनाह होंगे कि उसने क्या क्या जिंदगी में गुनाह किए, वो अज़ल ताख़िर जो गुनाह बाप को नहीं मालूम, उस्ताद को नहीं मालूम, टीचर को नहीं मालूम, अम्मी को नहीं मालूम, बीवी तक को नहीं मालूम, वो गुनाह अल्लाह के यहाँ उस दफ्तर में लिखा हुआ होगा। और फिर तीसरा दफ्तर होगा जिसमें अल्लाह ताला ने इस बंदे पर क्या क्या इनामात किए, उसको अल्लाह ने क्या क्या नियामतें दी, वो सारी नियामतें उसमें होंगी। और फिर अल्लाह ताला उस नियामतों वाले दफ्तर में से सबसे छोटी नियामत से कहेंगे कि तुम इस बंदे से अपना बदला ले लो। तो नियामत वाले दफ्तर में से जो सबसे छोटी नियामत होगी वो निकलेगी और इसकी सारी नेकियां खा जाएगी। और फिर पड़ोस में खड़ी होकर, साइड में खड़ी होकर अल्लाह से कहेगी तेरी इज्जत और तेरे जलाल की कसम मैं इसकी सारी नेकियां खा गई लेकिन अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, अभी तो गुनाह बाकी है। एक छोटी नेमत का यह हाल है कि जिंदगी भर की सारी नेमतों को वो खा जाएगी तो फिर हमें अपनी जिंदगी का कितनी फिक्र करनी चाहिए और कैसा हमें अपनी जिंदगी को सोच समझ कर गुजार। अल्लाह ने ये जिंदगी गुजारने के लिए नहीं दी है बल्कि अल्लाह ने बनाने के लिए दी है। दुनिया आखिरत की खेती है, वही किसान इस खेती में से फल का, खेती में से अनाज काटता है, गल्ला हासिल करता है, फसल काटता है, जिसने बोने के वक्त मेहनत की थी। जगह जगह दुनिया की जिंदगी को अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए खेती से ताबीर किया है। और हम सब जानते हैं कि जिस मौसम में बीज बोना है और जिस मौसम में खेत पर मेहनत करनी है, अगर उस वक्त किसान ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी और वहां नहीं गया तो फिर वो नतीजा उसको नहीं मिलेगा जो वहां मिलना चाहिए था। तो अल्लाह ताला ने ये जिंदगी रातों को गुजारने के लिए और यूं ही रातें बिताने के लिए, हमारे यहाँ नौजवानों का एक बहुत बड़ा मसला यह है कि रात को बहुत देर तक जागते रहते हैं, बिला वजह जागते रहते हैं मोहल्लों में सब जगह। यानी अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अगर रात को आप किसी जगह चले जाएं और अंदाजा लगाना हो कि ये किस
किसका मानना है, मुसलमानों का है या गैरों का है? कड़वी बात है और लेकिन सच्ची बात है। हम सिर्फ इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां छोकरे बाहर कितने घूम रहे हैं। अगर वहां हर मुक्कड़ पर दो चार बंदे बैठे हुए मिलते हैं तो आप यकीन कीजिए कि वो मुसलमानों का मोहल्ला है। ये चीज तो हमारे यहाँ थी जिसे गैरों ने ले लिया, जिसे दुश्मनों ने अपना लिया। वो अपनी औलाद को जल्दी सुलाते हैं और जल्दी उठाते हैं। हमारे यहाँ देर से सोने का सिस्टम है और देर से उठने का सिस्टम है, जिसकी वजह से जिंदगी की सारी बरकतें खत्म हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त में फजर की नमाज में जो बरकतें बताई थी, उस सारी की सारी बरकतों से हम महरूम रह जाते हैं और मोहल्ले के मोहल्ले मालूम है। ऐसा नहीं कि एक का लोगों का एक हिस्सा है, उमूमी नौजवानों का तबका तकरीबन रात को 12-1-2 बजे सोता है आमतौर से। हैरत तो तब होती है जब शादीशुदा नौजवान भी इन मजमों में बैठते हैं और रात को 2-2-1-1 बजे अपने घर जाते हैं। वहां बीवी उनका इंतजार कर रही होती है। ये बीवी के लिए वक्त देना भी जरूरी है ना, उससे शादी किया तो उसको वक्त देना भी जरूरी है। अब अगर बीवी से सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करता है, उसको वक्त नहीं देता, उसके साथ प्यार भरी मोहब्बत भरी बातें नहीं करता, कुछ उसकी नहीं सुनता, अपनी नहीं सुनाता, तो ये मशीनी रोबोट वाली जिंदगी है। ये जिंदगी, इस जिंदगी से इस्लाम निकाह से जो खुशियां चाहता है वो नहीं मिलेगी। ये भी बीवी के हक में अमानत में खयानत करना है। अगर बीवी को कोई वक्त नहीं देता है तो ये वक्त ना देना भी अमानत में खयानत है। रातों को देर तक बैठते हैं, बैठकर क्या करते हैं? अब सब जानते हैं नौजवान लोग आमतौर से बैठकर क्या करते हैं, ज्यादातर उनका वक्त मोबाइल में बीतता है। ऐसा नहीं कि बैठकर आपस में बातें करते हैं, वो बातों वाला सिस्टम चला गया, 10-20 साल पुरानी बात हो गई। अब वहां बैठकर कोई बात, पड़ोस में भी कुछ कहना है तो व्हाट्सएप से उसको कहता है, वो बाजू में बैठा हुआ बनता है लेकिन उससे नहीं कहता, उसको भी व्हाट्सएप के जरिए से पैगाम दिया जाता है। पड़ोसी वहां बैठा हुआ है, उस बंदे से भी व्हाट्सएप के जरिए बातें हो रही है। तो पूरा का पूरा वक्त, रात का ये पूरा का पूरा वक्त जो इतनी रात तक वहां बाहर बैठे हुआ, उसने मोबाइल की नजर हो जाता है। यानी ये वक्त का जाया करना है। अपनी जिंदगी जो अल्लाह ने दी है, इस जिंदगी में आदमी एक सुभान अल्लाह पढ़ ले तो इस एक सुभान अल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला जन्नत में एक ऐसा दरख्त उगाते हैं जिसके साए में तेज रफ्तार अरबी घोड़ा 100 साल तक, पास रिवायत में 500 साल तक भी चले तो उसका साया खत्म नहीं होगा। कितना आसान और सस्ता सौदा है। एक बुजुर्ग ने ख्वाब में एक आदमी को देखा, वो कुरान पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि माशाल्लाह आप तो मरने के बाद भी कब्र में कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। कहा मैं मरने के बाद भी कब्र में कुरान पढ़ता हूँ और मैंने अपनी वफात के बाद से अब तक 60,000 कुरान करीम खत्म कर लिए हैं। तो उनको तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ताज्जुब हुआ था, अरे आप इतने बड़े आदमी हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा एक काम करो, आप मुझे अपना एक सुभान अल्लाह दे दो और मेरे 60,000 कुरान आप ले जाओ, इसलिए कि मुझे इस 60,000 कुरान पर एक नेकी का भी सवाब नहीं है और तुम्हारे एक सुभान अल्लाह कहने को जब तक ये आंखें खुली हुई है मीटर चालू है, एक एक सुभान अल्लाह कहने पर अल्लाह के यहां नेकियां लिखी जाती है। तो कल को जब आंखें बंद हो जाएगी, आदमी एक एक नेकी का मोहताज हो जाएगा, उस वक्त समझ में आएगा कि जिंदगी कितनी कीमती थी और अल्लाह ने उसे कहां बिताने का हुक्म दिया था और मैं कहां गुजार कर, कहां खपा कर, कहां बेकार करके आया। तो इस जिंदगी को अल्लाह ने दी हुई जो जवानी है और जो जिंदगी है इसको वसूल करना है, इसको ऐसे ही जाया नहीं करना। वक्त कितनी कीमती चीज है, जिंदगी कितनी कीमती चीज है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जमाने की वक्त की कसम खाई, वल असर जमाने की कसम खाई। हम दूसरों को किसी चीज की अहमियत दिलाते हैं तो अहमियत दिलाने के लिए उसको उस चीज की कसम खाते हैं, उस चीज की अहमियत को बतलाने के लिए कसम खाई जाती है। अल्लाह ताला ने जमाने की और वक्त की कसम खाई। और ये जो फरामत का वक्त है, जो रात का ये वक्त है, इसमें अगर आदमी इबादत कर ले, कुरान पढ़ ले, तिलावत कर ले, कुछ नहीं करना है तो आदमी सुन्नत तरीके से सो जाए। सुन्नत तरीके से सोना भी आदमी के लिए इबादत का जरिया बन जाता है। तो अगर इन अवकात को सही इस्तेमाल किया जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नेमतें ऐसी है जिनके मुताबिक अक्सर लोग धोखे में पड़े हुए हैं। नेमतान है मकबूल उनफीहिमा
اكثرون من الناس او كما قال عليه الصلاه والسلام الصحه والفراغ کہ لوگوں میں سے اکثر لوگ دو نعمتوں کے متعلق دھوکے میں ہیں, ایک ہے تندرستی اور دوسری ہے فراغت. کل کو جب بیماریاں حملہ آور ہو جائے گی, آدمی کی جوانی ختم ہو جائے گی, بڑھاپا آ جائے گا, اس وقت آدمی چاہے گا کہ میں رات کو لمبی لمبی نفلیں پڑھوں, اس وقت نہیں پڑھ پائے گا. اس وقت پھر زندگی میں جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس طاقت کو وہ اللہ کے سامنے کھڑے رہنے میں کھپا سکے. آج اللہ نے طاقت دی ہے اور اسی طاقت کے بل بوتے پر بیٹھ بیٹھ کر جو ہے وہ 12-12 دو بجے تک ہمارے نوجوان وقت گزارتے ہیں. لیکن کل کو جب آدمی چاہے گا کہ میں 12-2 بجے تک جاگ کر اللہ کی عبادت کروں تو نہیں کر پائے گا. اس لیے اپنے اس وقت کو بہت زیادہ قیمتی جاننے کی ضرورت ہے. اور دیکھو آج اگر ہم 2-2 بجے تک بیٹھتے ہیں نا, آپ لکھ کر لے لو, کیونکہ ہم اس کا نقصان بھگت رہے ہیں اور بھگتنے والے ہیں. کل کو ہم اپنی اولاد کو یہ نصیحت کریں گے کہ بیٹا اتنی دیر تک باہر مت بیٹھو, اور وہ نظر سننے والی نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے باپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اگر ہم آج عمل کریں گے, آج ہمارے بڑے ہم کو کہتے ہیں کہ اتنی دیر تک باہر نہ بیٹھا کرو, گھر آ جایا کرو, لیکن ہم نہیں سنتے, کل کو ہماری نسلیں بھی ہماری نہیں سنیں گی. جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا, اس کے چھوٹے بھی اس کی کیا مانیں گے. تو کل کو ہمارے, ہم نے اپنے بڑوں کی بات ٹھکرا دی ہے, تو کل کو ہمارے چھوٹے بھی ہماری بات ٹھکرائیں گے. اس لیے سب سے بڑی ضرورت ہمارے مسلم معاشرے میں یہ ہے کہ ہم اپنے رات کے اس دیر سے جاننے کو ختم کریں. کوئی فائدہ نہیں, الٹا گناہوں کے اڈے ہیں. وہاں بیٹھ کر کوئی ذکر اذکار کی مجلس نہیں ہوتی, کوئی دینی باتیں نہیں ہوتی ہیں, کوئی نماز اور قرآن سیکھنے سکھانے کا عمل نہیں ہوتا ہے. وہاں بیٹھ کر صرف وقت ضائع ہوتا ہے, صرف اور صرف وقت ضائع ہوتا ہے اور کچھ نہیں, اور وہ بھی موبائل میں. ایسا نہیں کہ دوست آپس میں مل بیٹھ کر کچھ بات کر رہے ہیں, چلو 6 مہینے میں ایک آدھ بار بیٹھ گئے اور کبھی محفل لمبی ہو گئی, سمجھ میں آتا ہے. لیکن روزانہ بیٹھنا اور کچھ نہیں کرنا سوائے وقت ضائع کرنے کے, یہ اپنی زندگی کے ساتھ خیانت ہے. اللہ نے جو زندگی اور جوانی دی ہے وہ امانت ہے, اس امانت میں یہ خیانت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, ایک آدمی کو بیٹھا, وہ بیٹھ کر مٹی میں ریت میں وہ لکڑی لے کر کچھ بنا رہا تھا. ہماری بھی عادت ہوتی ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں تو ایسا ایسا کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, اور شاہد نے اس پر شعر بھی کہا ہے کہ میں یوں ہی ریت میں انگلیاں پھیر رہا تھا, غور سے جو دیکھا تو تیرا نام نکل آیا. تو یہ عادت ہوتی ہے آدمی کی, ایسا کچھ کرتا رہتا ہے. جب حضرت عمر وہاں سے گئے, اس وقت یہ آدمی اسی طرح کچھ کر رہا تھا. پھر جب واپس تشریف لائے تو بھی یہ آدمی اسی طرح مشغول تھا. حضرت عمر نے اس کو کوڑے لگائے کہ اپنی زندگی ضائع کرنا ہے, بیٹھا ہے, ایک کھجور کا درخت لگا رہے, تو نہیں تو تیری اولاد اس سے فائدہ اٹھائے گی, بیکار کیوں بیٹھا ہے. ہم اگر رات کو دیر تک کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کچھ تعلیمی کام کریں, کچھ نیا سیکھیں, کوئی نئی چیز جو ہے وہ حاصل کریں. بیکار موبائل میں صرف وقت ضائع کرنا, یوٹیوب پر خالی بس وہ ایک ویڈیو پر دوسرا ویڈیو دیکھے ہی جا رہا ہے, کوئی مقصد نہیں اسے. مجھے کیا کر رہا ہے, ٹائم پاس. یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے, یہ اللہ نے زندگی دی ہے آخرت وصول کرنے کے لیے. ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اسلامی تاریخ کے, عباسی دور کے خلیفہ ہیں. ان کی سلطنت اور ان کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ وہ کبھی کبھی باغ میں بیٹھ کر بادل جب گزرتا تھا تو وہ بادل سے کہتے تھے کہ تجھے جہاں جا کر برسنا ہو برس, تیرے پانی سے جو غلہ اور اناج پیدا ہوگا اس کا ٹیکس ہارون کی سلطنت میں آئے گا. اور لوگوں نے دیکھا ایسا ہی ہوتا تھا, اتنے بڑے بادشاہ تھے. ان کے دربار میں ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور اس نے اپنا کمال دکھایا. اس نے کیا کیا, وہ سوئی لی, سوئی ہارون کے سامنے ایسی کھڑی کی, بڑی جو سوئی آتی ہے, اور پھر 10 سوئی اس کے ہاتھ میں تھی, 10 قدم کے فاصلے پر گیا اور اس نے سوئی پھینکی تو 10 کے 10 سوئیاں اس کا جو سوئی کا جو دائرہ تھا کھڑی ہوئی سوئی کا اس کو پار کر گیا. ہم بھی دیکھتے ہیں یوٹیوب پر ایسے کمالات, ارے دیکھتے ہیں نا, بہت سارے اس قسم کے لوگ کمالات دکھاتے ہیں. تو اس نے یہ کیا, ہارون رشید نے کیا کیا کہ اس آدمی کو حکم دیا کہ اس آدمی کو 10 درہم انعام دیا جائے اور 10 کوڑے لگائے جائے. اور محل اب دربار میں بیٹھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت انعام تو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے اپنا کمال دکھایا, اس پر انعام ہے, یہ کوڑے کیوں؟ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں کہ اس نے اپنا وقت ایک ایسے کام میں ضائع کی ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے.
तो उस पर उसको कोड़े लगे। यानी जिंदगी को ऐसा एक बादशाह होकर भी जिंदगी के वसूल करने का यह एहतमाम है। हमारे बहुत सारे अकाबरीन का किताबों में हम अहवाल पढ़ते हैं कि उन्होंने खाना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया, रोटी खाना इसलिए छोड़ दिया कि रोटी खाने और चबाने में 70 मरतबा सुभान अल्लाह कहने का वक्त जाया हो जाता है। तो रोटी 40 साल तक रोटी नहीं खाई कि मेरा वक्त जाया हो जाए। और हमारे यहां इतना इतने इतने घंटे बेकार रातों को, और ये रातों को बैठ कर जो वक्त जाया किया उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है आप बताएं? सबसे बड़ा नुकसान क्या है? फजर की नमाज गुल। सबसे बड़ा पहला रिजल्ट, जिस रात को आप देर तक जागेंगे फजर गई। इसलिए अहदीस में रात को ईशा के बाद बात करने की इजाजत नहीं है। आप किसी मुफ्ती साहब से जाकर किसी आलिम से आप मसला पूछोगे तो रात को महफिल जमाने की इजाजत नहीं है। उसको अरबी जुबान में कहते हैं समर गोई, रात को बैठकर महफिलें जमाना, उसको नाजायज और हराम लिखा है। सिर्फ दो या तीन लोगों को इजाजत है, एक स्टूडेंट को, तालिब इल्म को इजाजत है। वो अगर अपनी पढ़ाई के लिए और अपने किसी साथी के साथ बातचीत के लिए, तालीमी बातचीत के लिए, एक उसको इजाजत है, और एक शौहर को इजाजत है अपनी बीवी के साथ बात करने के लिए। अब शौहर यहां बैठे रहते हैं, शरीयत ने इजाजत दी है इस वक्त बात करने के लिए। दिन भर बीवी काम में मसरूफ होती है, दिन में अगर किसी मौके से बीवी ने जरा तवज्जो नहीं दी तो शौहर आप बबूला हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है कि मेरी तरफ तवज्जो नहीं देती। और जब रात को वो तवज्जो के लिए वो इंतजार कर रही होती है, इंतजार कर करके थक कर सो जाती है, तब ये साहब तशरीफ ले जाते हैं। ये उस मासूम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। और कल को कयामत में इसके मुताबिक भी पूछ होगी कि बीवी को जितना वक्त देना चाहिए था वक्त दिया। बल्कि उल्टा यह है कि जिस नौजवान की शादी हो गई और वो अब अपने दोस्तों की माफी छोड़कर जाने लगा घर पे और बीवी को वक्त देने लगा, तो उसको जोरू का गुलाम कहते, उसके दोस्तों उसको ताना देते, भाई वो अच्छा काम कर रहा है, आप गलत रास्ते पे हैं, वो सही रास्ते पे हैं और ये वक्त देना चाहिए, वक्त नहीं देगा तो कल को उसकी और उसकी औलाद का मसला खड़ा हो जाएगा। वक्त न देने से बीवी के अंदर बेएतमादी पैदा होती है, उसका कॉन्फिडेंस खो जाता है, फिर उसको अपने शौहर के मुतालिक बुरे बुरे ख्याल, हालांकि आप यहीं बैठे हैं लेकिन उसको बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कब आएंगे, क्या होगा। और देखो आदमी इंतजार बहुत ज्यादा नहीं करता है, इंतजार करते करते फिर वो भी पत्थर का हो जाता है। फिर आप यहां मोबाइल में हैं तो वो वहां भी मोबाइल में है, फिर शौहर रात को उसका मोबाइल निकालकर चेक करता है कि कितने बजे सोए थे, आप कितने बजे सोए हैं, वो तो नहीं देखता। तो इसलिए ये जिंदगी, ये तो मौजूद छिड़ गया, वरना मैं ये कह रहा था जिंदगी अल्लाह की अमानत है, ये रात की महफिलें बंद करनी चाहिए। और ठीक है कभी हो गया, 6 महीने में एक आध बार कोई दोस्त बाहर से आया था उसके साथ मिल बैठ लिए, कोई पार्टी शार्टी हो गई, अलग बात है। लेकिन रोज रोज रात बैठे रहना, हर सनीचर जो है वो, या रोजाना बल्कि हर सनीचर तो मैं एहतियातन कह रहा हूं, वरना जिनकी आदत है वो रोज बैठते हैं, तो रोज वक्त, कभी सड़क पर कोई हादसा होता है, या बीसवा एक मरतबा हम लोग थे तो कुछ हादसा हो गया, तो नाबिल से कुछ साथी दौड़ते हुए, और फिर उन्होंने कहा कि आपको पहले कहना चाहिए था ना कि ऐसा हुआ है। हमारे दोस्त यहाँ रात को 3 बजे तक रोज बैठते हैं, आप पहले बोलते वो जल्दी पहुंच जाते हैं, हमको नाबिल से यहां तक आना पड़ा। यानी आदमी कॉन्फिडेंस के साथ बताता है कि फुलाना आदमी रात को 3 बजे तक वहां मिल जाएगा, फजर की नमाज में उसका एड्रेस पूछो नहीं मिलता। ये रात को देर तक जागने की नहोसत है कि आदमी की फजर की नमाज कजा हो जाती है। और जिसकी फजर की नमाज कजा हो गई, शैतान उसके साथ क्या करता है पता है? एक आदमी के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तज़किरा हुआ कि वो फजर की नमाज छोड़ देता है, सोया रहता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फजर की नमाज छोड़कर ऐसे ही सो जाता है, शैतान उसके कान में पेशाब करता है। तो रोज शैतान हमारे कान में पेशाब करके जाता है, हमारी गैरत कहां जाती है? यूं तो बहुत कहते हैं कि शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है और यूं है, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, और रोज यही शैतान हमारे कान में मूंज जाता है, हमारी गैरत नहीं जाती। और फिर दिन में सुबह उठकर आदमी कहता है, अब कारीगरों की तराक सुनने में मजा नहीं आता, वो शैतान का मूंज अंदर गया है, गफलत का असर गया है, कैसे मजा आएगा? फिर आदमी को म्यूजिक में मजा आएगा, क्योंकि म्यूजिक को अल्लाह ताला ने शैतान ने अल्लाह ताला से हथियार मांगे थे। अल्लाह ताला से कहा था कि मुझे कोई मौसीकी दो,
कोई तराना गाना मेरे लिए, तो अल्लाह ताला ने जितने गाने हैं वो सब शैतान को हथियार के तौर पर दिए हुए हैं। तो फिर आदमी के कान में अच्छी बातें नहीं जाती, अच्छी बातें उसके दिल में असर नहीं करती, क्योंकि सुबह की गफलत का असर है। और अगर यही आदमी सुबह की नमाज पढ़ ले तो क्या इनाम मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मन सल्ला सलात सुबही वहुव दखल जन्ना, और कमा कहा अलैहि सलातु वस्सलाम कि जो आदमी सुबह की नमाज पाबंदी और एहतमाम के साथ फजर की नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। अल्लाह ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया फजर की नमाज पढ़ने के मुताबिक, अकीम सलात लिदुलूक शम्स इला वसक लैल व कुरान अल-फजर इन कुरान अल-फजर कान मशहूदा, कि नमाज कायम कीजिए सूरज तुलू होने से, सूरज के गुरूब होने से लेकर रात की इला वसक लैल, रात के अंधेरे होने तक। और फिर आगे फरमाया वपुर आन अल फज, और फजर के पढ़ने के वक्त, इन न कुरान अल फजर का न मशहूदा, के कुरान पढ़ने के वक्त हाजिरी दी जाती। क्या मतलब इसका? इसकी वजाहत एक और हदीस से होती है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में अल्लाह ताला ने फरिश्तों का निजाम बिछाया हुआ है, अगर फरिश्तों का हिफाजती निजाम दुनिया में ना हो तो शयातीन और जिन्नात का इतना ज्यादा गलबा है कि वो आदमी को चीर फाड़ कर खत्म कर दे। क्योंकि इस दुनिया में इंसानों के बसने से पहले कौन रहता था? शयातीन रहते थे, और उन्होंने इतना फसाद मचाया था कि फिर अल्लाह ने उन सब को फरिश्तों के जरिए मार भगा कर जंगलों में भगा दिया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नस्लें चली, वो पूरी तफसील है। तो शैतान इंसान का दुश्मन है, अगर इंसान की अल्लाह की तरफ से हिफाजत ना हो तो वो इंसानों को मार डाले ये सारे शयातीन मिलकर। इसीलिए हर आदमी के साथ उसकी हिफाजत वाले फरिश्ते, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों का एक निजाम बनाया है। तो कुछ फरिश्तों की ड्यूटी सुबह है, कुछ की शाम है, जो मस्जिदों में भी आते हैं और आदमी के साथ रहते हैं। इनकी ड्यूटी का वक्त बदलता है असर में और फजर में। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फजर के वक्त वो फरिश्ते आते हैं और ये फरिश्ते जाते हैं, तो अल्लाह ताला को सब मालूम है कौन क्या कर रहा था, कौन फजर की नमाज में था, कौन नहीं था। फिर भी अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं, सवाल फरमाते हैं कि तुमने मेरे बंदे को किस हाल में पाया? तो वो फरिश्ते गवाही देते हैं कि हमने उसे जब असर के वक्त हमारी ड्यूटी बदली थी तो भी उसके मुताबिक ये गवाही जा रही थी कि वो रुकू की हालत में था, नमाज में था, सजदे में था, और जब फजर में ड्यूटी बदली और दूसरी पलटन आई, फरिश्तों की दूसरी जमात आई, तब भी जाने वाले ये गवाही लेकर गए कि ये बंदा सजदे में था, रुकू में था, नमाज में था। अब जिसकी फजर और असर दोनों नमाजें कजा हो जाती है उसके मुताबिक क्या गवाही जाती होगी? हालांकि अल्लाह को सब मालूम है, लेकिन फरिश्ते अगर हम फजर की नमाज पढ़ते हैं तो फरिश्ते हमारे लिए गवाह बनते हैं। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी हरगिज हरगिज जहन्नम में दाखिल नहीं होगा जो असर की और फजर की नमाज पाबंदी और एहतमाम के साथ पढ़ता हो। यह बुखारी मुस्लिम की रिवायत। तो फजर की नमाज की इतनी फजीलत है, इतने ज्यादा फजर की नमाज की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी, इतने ज्यादा उसके फजाइल बयान किए। और उसके बाद हमारी गफलत का यह आलम है कि सब मस्जिदों में फजर की नमाज में सबसे कम मुसल्ले होते हैं। इसीलिए यहूदियों से किसी ने पूछा कि मुसलमान कब गालिब आ जाएंगे फलस्तीन में, वहां चुके इसराइलियों के साथ लड़ाई होती रहती है। तो किसी यहूदी से किसी मुसलमान ने पूछा कि हम लोग कब गालिब आ जाएंगे, कब हम लोग तुम्हारे ऊपर जीत पाएंगे? का तुम्हारे जुमा में जितना मजमा होता है, जिस दिन फजर में हो गया उस दिन हम लोग हलाक हो जाएंगे, तुम लोग जीत जाओगे। अब आप देख लें जुमा में हमारे यहाँ कितना मजमा होता है और फजर में कितना मजमा होता है। तो ये रातों के देर तक जागते रहने से आदमी की फजर की नमाज कजा हो जाती है, जिसकी बहुत ज्यादा ताकीद हदीसों में आई। बाज रिवायत में तो ये भी आया है कि जो आदमी पाबंदी के साथ फजर की नमाज पढ़ता है फहुआ फी ज़िम्मतिल्लाह, वो अल्लाह की निगरानी में, अल्लाह के जिम्मे में, अल्लाह की हिफाजत में आ गया। फिर आगे फरमाया ऐसे शख्स को तू न सताओ, इसलिए कि जो अल्लाह की हिफाजत में आ गया उसे कोई अगर सताएगा, कोई कुछ करेगा
तो अल्लाह ताला इसका मुतालबा फरमाएंगे, इस पर पकड़ करेंगे। और फिर आगे आया कि ऐसे शख्स को अल्लाह ताला मुंदे मुंह जहन्नम के जहन्नम में घसीट कर फेंक देंगे। किसको? जो फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने वाले को सताता है। तो फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने वाले की इतनी ज्यादा फजीलत है, इतने ज्यादा उसके लिए शरीयत ने तरजीबें दी है और इतनी ज्यादा शरीयत ने उसके लिए हमें उभारा है। तो फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने के लिए आसान तरीका, बहुत सी मरतबा ऐसा नहीं कि आदमी के दिल में नीयत होती है लेकिन रात को 2 बजे सोता है तो सुबह आंखें नहीं खुलती। तो उसका आसान तरीका यह है, सबसे पहला चाहते हैं ना फजर की नमाज पढ़ना, कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं, मुसलमान चाहेगा, सबको मालूम है कि फजर की नमाज फर्ज है। उसका सबसे आसान तरीका यह है कि रात को जितना हो सके जल्दी सोने की कोशिश करें, जितना आदमी जल्दी सोएगा। अच्छा, ये मोहल्ले की मजलिस तो छूट जाएगी, अल्लाह की जात से उम्मीद है आदमी अगर थोड़ा सा इरादा करें, घर वालों की तरफ से थोड़ा सा ताउन हो जाए, वाली साहब थोड़ा सा फहमाइश करते रहे, मजलिस छूट जाएगी। लेकिन वो रूम में वो नहीं छूटेगा मोबाइल, आदमी घर पहुंच जाएगा तो फिर वहां यूट्यूब फेसबुक पर वो इंस्टाग्राम पर वो रात को देर तक 2 बजे, तो जो नुकसान यहां था वो वहां है बल्कि वहां ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वहां तन्हाई है। यहां तो दोस्त लोग थे तो कुछ देखना हो तो आदमी को शर्म और हिजाब है, वहां तन्हाई है तो वहां और ज्यादा नुकसान का खतरा है। तो अगर वो लेकर सोते हैं तो फिर नहीं होगा। और बिस्तर में, अच्छा इसको छोड़ने का क्या तरीका है मोबाइल को? उसको छोड़ने का आसान तरीका है कि बिस्तर में लेकर सोइए नहीं। आपको जितनी देर देखना है व्हाट्सएप पे दोस्तों से बातचीत, जो भी आपको जवाब देना है, कारोबार वगैरह जो भी है आपका, वो आप नाइट ड्रेस से पहले, शबाबी का लिबास बदलने से पहले आप कर ले, उसके बाद स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके आप रख दें, बिस्तर में लेकर ना जाए। बिस्तर में लेकर गए तो फिर शैतान कहेगा 5 मिनट जो ले नहीं हमें कहा होगा, वो 5 मिनट 50 मिनट में बदल जाएगी, 50 मिनट से 2 घंटे हो जाएंगे, आदमी को पता। और ये कोई अनोखी बात नहीं है कि मैं कर रहा हूं, हम सबको इसका तजुर्बा होता है। सब सोचते हैं कि अभी सोते हैं, कभी दोपहर में आदमी सोया है, पौना घंटा लेकर सोया है कि पौने घंटे के बाद मुझे उठना है, फिर सोचता है 5 मिनट देख लूं, वो 5 मिनट पौने घंटे में बदल जाते हैं, वो उसका सोना रह जाता है। हालांकि दोपहर में सोना चाहिए खाने के बाद आधा पौना घंटा। हदीस में है कि जो रात को इबादत करना चाहता है, उलमा ने लिखा है कि जो रात को इबादत करना चाहता है तो वो दोपहर में खाने के बाद आधा पौन घंटा थोड़ा सा सो जाए तो ये उसके लिए रात को इबादत करने में मुआविन होगा, मददगार होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है? रात को जल्दी सोना है। कौन कौन नियत करते हैं? इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे रात को जल्दी सोने की। दूसरा काम ये करना है, सोने से पहले वुजू कर लें, वुजू करके दुआ पढ़कर सोने की बरकत ये होगी कि शैतान हमला करता है, शैतान उठने नहीं देता फजर की नमाज में। बाद हदीस में है कि जब कभी कभी आंख खुल जाती है लेकिन आदमी सोचते हैं कि 5 मिनट है अभी उठता हूं और गए, ये वो जो ये गफलत तारी होती है वो शैतान की तरफ से। बाज रिवायत में है कि जब आदमी उठता है तो शैतान, मुझे वो पक्की रिवायत याद नहीं है, शैतान उसका सर सहलाता है या कुछ करता है, उसके कान में फूंकता है कि अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत वक्त है, अभी सो जा। अक्सर इसका तजुर्बा होता है हमको। अगर आप पहली नींद पर नहीं उठे तो फजर की नमाज चली जाए। तो ये जो शैतान हमले करता है ना, वो ये हमले इसीलिए होते हैं क्योंकि रात को सोते वक्त दुआएं नहीं पढ़ी। इसलिए हदीस में है कि जब उठे तो आदमी दुआ पढ़े, दुआ पढ़ने से, उठने की दुआ पढ़ने से और बिस्मिल्लाह पढ़ने से शैतान जो गिरह लगाता है, सोते वक्त 3 गिरह, वो गिरह खुलती है, वो गफलत की गिरह लगाता है वो खुल जाती है। तो दूसरा काम ये करना है, जल्दी सोने की तैयारी करने के लिए वुजू करना है और सोते वक्त की जो मसनून दुआएं हैं वो दुआएं पढ़कर सोना है। तीसरा काम, फजर की नमाज की तौफीक इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से मिलेगी। तीसरा काम ये करना है कि कभी कभी हमारी आंख नहीं खुलती है, कभी नींद का बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा गहरी नींद है, रात को जल्दी सोने के बावजूद तो कोई साथी ऐसा मिल जाता है जो पाबंदी के साथ फजर की नमाज पढ़ता है, उसको कह दीजिए कि तू फजर में मेरे को फोन करियो और जब तक मैं उठाऊं नहीं तब तक तेरे को करते रहेगा, 2-3 तो कम से कम, वरना फिर उसकी भी नमाज कज़ा हो जाएगी, वो तुम्हें ही फोन करते रहेगा, कम से कम 3 फोन वो कर लिया। और ऐसे
अभी मैं पिछले दिनों सूरत गया था, एक आदमी के मुताबिक सुना, वो रोजाना सुबह 200 बंदों को फोन करता है, 4 बजे उठ जाता है और सबका टाइम फिक्स है कि इसको 4:10 को उठाने का, इसको 15 से लेकर, और रोजाना तो कितना सवाब मिलेगा उसको। तो ऐसे आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, 200 नहीं तो 5 की जिम्मेदारी लेने वाले। तो अगर कभी ऐसा आपकी नींद का मसला है तो अपने दोस्त से कह दें, कहीं जाना होता है तो कहते हैं ना कि मेरे को फोन करना, उठाना, नहाना धोना बाकी है, कहता है कि नहीं आदमी? तो फजर के लिए क्यों नहीं कहता है, दीन के लिए आदमी क्यों नहीं कहता है, जब दुनिया के लिए, कारोबार के लिए, खेल के लिए और दुनिया की तफरीहात के लिए हम अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं, तो दीन के लिए अपने दोस्तों की मदद कब लेंगे? तो अपने दोस्तों से कहें, वो इंशाल्लाह आपको लिंक करेंगे, आप पूछेंगे। चौथा काम, फजर की नमाज की तौफीक अल्लाह की तरफ से मिले। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करना है, अल्लाहुम्मा आइनी आला दिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत, कि अल्लाह तू मेरी तेरे शुक्रिया की, तेरे अच्छे जिक्र की और तेरी इबादत की मुझको तौफीक अता फरमा और मेरी मदद फरमा। और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि आज तूने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफीक दी, अल्लाह तेरा शुक्र और एहसान है, वरना मेरे दिन के किए हुए गुनाह इस ऐसे थे कि मैं इस लाइफ नहीं था कि रात को उठकर तेरे सामने अपना सर दिखा सकता, अपना चेहरा दिखा सकता। तेरा करम है, तेरा एहसान है कि तूने मेरे इतने सारे गुनाहों के बावजूद अपने दरबार में सर झुकाने का मुझको मौका इनायत फरमा। इस तरह शुक्र अदा करेंगे ना तो अल्लाह ताला के साथ एक नेकी के बाद दूसरी नेकी की तौफीक मिलेगी, एक नेकी दूसरी नेकी को खींचती है, एक नेकी करने के बाद दूसरी। एक दिन फजर की नमाज पढ़े तो उसका शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला जो है वो दूसरे दिन भी फजर की नमाज की तौफीक इनायत फरमाएंगे। इतने काम अगर ये कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से जरूर भी जरूर फजर की नमाज की तौफीक मिल जाएगी। सबसे पहला काम है अंदर से पक्का होना चाहिए। महाबलेश्वर जाना होता है तो अंदर से पक्का है ना, 3:30 बजे पे उठता है दोस्तों के साथ जाने के लिए, क्योंकि अंदर से पक्का है। तो ऐसा ही पक्का अंदर होना चाहिए, कहीं घूमने जाने के लिए जैसे आदमी पक्का होता है। अब किसी रिश्तेदार को एयरपोर्ट पर रुखसत करने के लिए जाना होता है तो आदमी उठ जाता है कि नहीं उठ जाता? तो फिर बाकी अवकात में क्यों हम कहते हैं कि यार आंखें नहीं खुलती, आंखें नहीं, उस दिन कैसे खुल गई? क्योंकि अंदर से पक्का था। तो ये अंदर से पक्का होगा तो रोज खुल जाएगी, अंदर से पक्का नहीं होगा तो फिर ईद के दिन खुल जाती है? अरे खुलती है कि नहीं? ईद के दिन खुल जाती है, क्योंकि अंदर से लगभग 99% खुल जाती है ईद के दिन आप, क्योंकि अंदर छोटे बच्चे की भी खुल जाती है, उसको भी सुबह नहीं उठाना पड़ता है क्योंकि वो रात को 10 बार अम्मी से कहकर सोया है कि मेरे को फजर को उठा, तो वो उठ जाता है। तो अंदर से पक्का होगा और उसके बाद ये अमाल करेगी तो इंशाल्लाह फजर की तौफीक जरूर भी जरूर अल्लाह की जान से उम्मीदें मिले। लेकिन कभी कजा हो गई और फिर आंख खुली तो घड़ी देखकर सोने जाना कि अब तो वक्त खत्म हो गया। कजा न करने का एक आसान रास्ता यह है, दूसरे दिन कजा न हो, कि जैसे ही हमारी फजर की नमाज कजा हुई, हमें जैसे 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे आंख खुल गई, आदमी उठने के बाद पहला काम, नाश्ता भी बाद में, चाय बाद में, सब कुछ बाद, पहला काम है आज की फजर की 2 रकात की कजा। ये नफ्स पर बहुत बोझ पड़ता है, चाय के बगैर, नाश्ते के बगैर और सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले वजू करके 2 रकात, बहुत बोझ पड़ता है। दूसरे दिन वो खुद उठाएगा, नफ्स सही आदमी को खुद उठ, और दिन भर उस पर शर्मिंदगी। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक लिखा हुआ है किताबों में, अमीर मुआविया के, एक मरतबा उनकी तहज्जुद फौत हो गई, दिन भर इतना शर्मिंदा रहे और इतना अल्लाह के सामने रोए धोए, इतना इस्तग़फ़ार किया, फजर नहीं, तहज्जुद फौत हो गई थी, तो इतना ज्यादा रोए धोए कि दूसरे दिन एक बड़े मियाँ आया और उठाकर कहा कि मामे उठ तहज्जुद पढ़ ले। तू कौन है? मैं शैतान हूँ। तू तो लोगों को गुमराह करता है, लोगों को सीधे रास्ते से भगा हटाता है, तू क्यों उठाने आ गया? कहा मैं इसलिए उठाया, कल मैंने ही तुमको गफलत में रखकर सुलाया था, लेकिन तुमने दिन भर रो रो कर अल्लाह को जितना मनाया है और तहज्जुद से ज्यादा सवाब तो रोने धोने से मिल गया, तो ज्यादा सवाब मेरे को नहीं देना, तुम उठो फजर पढ़ लो। अभी तो ये जज्बा आदमी के दिल में होगा ना तो फिर इंशाल्लाह फजर की नमाज। तो आसान उसका एक तरीका यह है कजा ना करने का, कि जब भी आप खुले कोई काम ना करे सिवाय फजर की नमाज, इस कजा की रूही नमाज को पढ़ने की। और अगर अभी कभी यानी आदमी का पूरा इरादा था, सारे उसने काम किए और मजबूरी में आंख लग गई, तो अल्लाह के जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुआखजा नहीं फरमाएंगे, गिरफ्त नहीं फरमाएंगे, लेकिन उसकी कजा जरूरी है। तो इतने काम करेंगे तो इन
इंशाल्लाह हमारी फजर की नमाज में भी उतना मजमा हो जाएगा अल्लाह के साथ से उम्मीद है जितना जुम्मे में होता है। सारे साथी इरादा करते हैं तो रात की महफिल बंद, जल्दी सोना शुरू, जल्दी सोते हुए बिस्तर पर साथ में मोबाइल नहीं, वरना फिर वही मसला हो जाएगा। वुजू करके और दुआएं पढ़कर सोना है। किसी साथी से अगर नींद गहरी है तो कहकर सोना है, वो सुबह उठाए। घर में वालिदैन उठते हैं, आप थोड़ा हिम्मत तो दिखाए। हम तो ऐसा करते हैं कि वालिदैन उठाते हैं तो ये नवाब साजे ऊँगे मले अहम लेते हैं, वो ऊपर से बोलता है, वो बेचारा बूढ़ा बाप उठा रहा है, तेरी आखिरत की फिक्र वो कर रहा है। आप ऐसा जवाब दोगे तो कल को हम हमारी नस्लें भी हमको ऐसे ही जवाब देगी, वो पक्का है। कल को आज यानी ये वालिदैन के साथ जैसा सुलूक करते ना, एक बुक है जो हम लिख रहे हैं, कल को यही हमें पढ़नी है, तो जैसा पढ़ना पसंद है वैसा वालिदैन के साथ सुलूक किया जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको कहने सुनने से ज्यादा हमें करने की तौफीक अता ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ آج تک کی غفلت میں جو زندگی گزر گئی اس پر ہم شرمندہ ہیں، اے اللہ تیرے حضور معافی مانگتے ہیں، اے اللہ سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ انشاءاللہ آئندہ سے ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور فجر کی نماز کو اٹھیں گے، اے اللہ رات کو جلدی سوئیں گے، اے اللہ ہم تو ارادے تو کرتے ہیں لیکن شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے، اے اللہ شیطان کے مقابلے میں آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ شیطان اور نفس کے مقابلے میں آپ ہماری مدد فرما دیجئے، شیطان اور نفس بھی تو آپ کی مخلوق ہیں، اے اللہ اگر آپ چاہیں گے تو یہ ہم پر غالب نہیں آ پائیں گے، اے اللہ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین میں ایسے کام کرنے سے ہماری حفاظت فرما جس کی نحوست سے تو راتوں کا اٹھنا چھین لیتا ہے، اے اللہ ہمارے دنوں کو پاک اور صاف فرما، ہماری راتیں روشن اور منور فرما، ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت ڈال دے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ ہمیں موبائل کی اس نحوست سے اور اس کے برے اثرات سے ہماری حفاظت فرما، اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے اللہ حفاظت فرما، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ہماری آخرت کے جملہ امور آسان فرما، ہمیں جنت عطا فرما، جنت کے اندر لے جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما، جہنم میں لے جانے والے کام کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تحفے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم